नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। यूपी के बुलंदशहर एसएसपी ने सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर 22 मार्च को भारत में जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील की। लाउडस्पीकर से पुलिस कर रही कोरोना वायरस के प्रति लोगों को सतर्क। बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार की पहल पर कोरोना से बचने के लिए बांटे गए मास्क और सैनिटाइजर। इसके अलावा पार्क में काफी लोग बैठे थे, उन्हें सैनिटाइज किया गया, वापस किया गया। महिलाओं को भी, हमारी जो महिला टीम है इसके द्वारा बताया गया कि मास्क बहुत जरूरी नहीं है सबके लिए। महिलाओं के पास दुपट्टे हैं, उनका इस्तेमाल मास्क के रूप में किया जा सकता है। महिलाएं जो साड़ियों में हैं वो किस तरह से जो है उसको मास्क के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। आम आदमी जो मोटरसाइकिल से चल रहा है, अगर मास्क उसके पास नहीं है तो किस तरह गमछे का इस्तेमाल वो मास्क के रूप में कर सकता है। ये सारी चीज़ें लोगों को बता के जागरूक करने का प्रयास किया गया है, ताकि ये लिख पूरे लोगों का निकलना, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना और जो शासन प्रशासन और विश्व स्तरीय आवश्यकता है उसका अनुपालन हो, ये उद्देश्य था। और इसी को लेकर के हम और हमारी पूरी टीम, जिसमें हमारे डॉक्टर साहब भी हैं और हमारी एक जो टीम बनाई गई है, एक छः एक छः की टीम है आपातकाल के लिए, उस पूरी टीम को लेकर के कार्यक्रम किया। सर, जनता कर्फ्यू के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? पुलिस की व्यवस्था पूरी रहेगी और हम लोगों से ये उम्मीद करेंगे, अपेक्षा करेंगे कि लोग अधिक से अधिक इसमें सहयोग दें, उनके हित के लिए है। व्यक्तिगत खुशियों को सामाजिक रूप में छोड़ें और ये चेतना जो है लोगों तक पहुँचे। इसके अलावा मंदिरों के जो पुजारी हैं, मस्जिदों के जो धर्मगुरु हैं, उनसे भी हम लगातार संपर्क में हैं कि मंदिरों और मस्जिदों में प्रवेश को बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाए। और नवमी का पर्व आने वाला है, इसको लोग घरों में अपनी आस्था के साथ मनाएं और बाहर न निकलें, क्योंकि ये संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में जाता है। तो लोगों में एक भाव आए, लोग अपनी आस्था को अध्यात्म की ओर ले जाए, अंतर मन की तरफ ले जाए और बाहर प्रदर्शन के बजाय आंतरिक पूजा पर ध्यान दें।